मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसकी लोकप्रियता मिर्जापुर वेब सीरीज के बाद काफी बढ़ गई। हालांकि जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज में जिले को दिखाया गया है सच वो नहीं है। वेब सीरीज में मिर्जापुर को कट्टे के व्यापार का जिला बताया गया, लेकिन इसके उलट यहाँ की छवि है। इस जिले की डीएम साहिबा दिव्या मित्तल भी मिर्जापुर की छवि चमकाने में जुटी हुई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दिव्या मित्तल की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल जमीन पर बैठकर लोगों से बातचीत कर रही हैं और उनकी शिकायत सुनती नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं इस टैलेंटेड आईएएस अधिकारी के बारे में। दिव्या मित्तल हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। हालांकि दिव्या का जन्म दिल्ली में ही हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से की। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद दिव्या मित्तल ने दिल्ली आईआईटी से बीटेक किया। बीटेक के बाद आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए की पढ़ाई के बाद दिव्या मित्तल की शादी गगनदीप सिंह के साथ हो गई। शादी के बाद गगनदीप और दिव्या मित्तल की लंदन में लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी लग गई, लेकिन ज्यादा दिन तक मन नहीं लग सका। नौकरी लगने के कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी एक साथ इस्तीफा देकर वापस अपने देश लौट आए। देश वापस लौटने के बाद दिव्या मित्तल ने आईएएस की तैयारी शुरू की। 2012 में दिव्या मित्तल का चयन आईपीएस के तौर पर हो गया, जहां उन्हें गुजरात कैडर मिला। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ही 2013 में उन्होंने फिर परीक्षा दी, जहां उनका चयन आईएएस में हो गया। दिव्या मित्तल के पति भी आईएएस अफसर हैं। आईएएस दिव्या मित्तल इससे पहले बतौर वीसी बरेली विकास प्राधिकरण, संयुक्त एमडी यूपीएसआईडीए, सीडीओ गोंडा और मवाना मेरठ के रूप में काम किया है। नीति आयोग में सहायक सचिव के रूप में काम करते हुए दिव्या मित्तल के द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई 5 प्रस्तुतियों में से चुना गया था। यानी सफेद दाग एक त्वचा का रोग है। इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सफेद दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में रोगी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती, मगर सफेद दाग चेहरे, होंठ, हाथ, पांव आदि पर दिखाई देने के कारण रोगी कुरूप नजर आता है। इस कारण रोगी तनावहीन भावना और डिप्रेशन में रहता है। आईएएस दिव्या मित्तल के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। ट्विटर पर दिव्या मित्तल ज्यादा सक्रिय रहती हैं, जहां पर वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ट्रिक देती हैं और तैयारी करने वालों को मोटिवेट भी करती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं। दिव्या मित्तल की तस्वीरें या उनकी शक्ति के किस्से अक्सर वायरल होते रहते हैं। अभी जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें आईएएस दिव्या मित्तल बुजुर्ग महिला की समस्या जमीन पर बैठकर सुन रही हैं। दिव्या मित्तल की इस तस्वीर की खूब चर्चा है। लोग जमकर मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की तारीफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला की शिकायत पर डीएम साहिबा ने तुरंत एक्शन भी लिया था। आईएएस दिव्या मित्तल ने बेबस लाचार बुजुर्ग से रिश्वत लेने के मामले में लेखपाल को तुरंत सस्पेंड कर दिया।